नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल पांडे, आप सभी का वन स्टॉप करंट अफेयर्स के स्पेशल एडिशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बे ऑफ बंगाल में बन रहे साइक्लोन यास पर। जी हाँ दोस्तों, IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक वार्निंग इशू की है कि भारत की ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में, खासकर बे ऑफ बंगाल की तरफ, एक साइक्लोन फॉर्म हो रहा है और उसको उन्होंने अभी नाम दिया है यास। अब देखते हैं कि ये यास अगर अनुमान लगाया जाए IMD के द्वारा तो आने वाले कुछ दिनों में भारत की ओर बढ़ने वाला है। भारत के दो राज्य इसे इफेक्ट होंगे, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप वन स्टॉप करंट अफेयर्स के और स्पेशल शोज को देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे ये सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए। इससे दोस्तों हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम समय समय पर आपके लिए ये स्पेशल शोज लेकर आ सकें और आपकी UPSC और बाकी सभी एग्जाम्स की तैयारी हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो आखिर हो क्या रहा है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आप सभी को पता है कि अभी साइक्लोन तौकते के असर भी समाप्त नहीं हुए हैं। कल भी लगभग जो बारिश था P305, वहां से लगभग 26 बॉडीज को रिकवर किया गया है और भारत के वेस्ट कोस्ट यानी गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, गोवा और कुछ हद तक कुछ एरिया सदर्न तमिलनाडु के कुछ एरियाज, इस पूरे एरिया में दोस्तों तौकते ने कहर मचाया और खासकर हमारे गुजरात के एरिया में उसने बहुत ज्यादा कहर मचाया है। राइट दोस्तों, तो ये अरेबियन सी है इस तरफ जहां पे ये साइक्लोन आया। अभी IMD का ये कहना है दोस्तों कि ये बे ऑफ बंगाल की तरफ एक साइक्लोन फॉर्म हो रहा है और जिसको उन्होंने नाम दिया है साइक्लोन यास। उनका ये कहना है कि ये साइक्लोन अगर ये फॉर्म होता है, which is likely to happen, तो ये मई 26 तक it will hit our two states, West Bengal and Odisha, in the most likely scenario, right दोस्तों। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि that a low pressure area is very likely to form over the North Andaman Sea and adjoining East Central Bay of Bengal around May 22। तो basically एक low pressure area जो है वो दोस्तों इस पूरे area में अंडमान के पास यहाँ पे form होने वाला है, राइट। और इसके फॉर्म होने के बाद वो धीरे धीरे पूरे साइक्लोन का एक रुख इख्तियार कर लेगा और जब वो साइक्लोन का रुख इख्तियार करेगा तो दोस्तों वो इस तरफ से इस एरिया में मूव करना शुरू करेगा। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की तरफ ये साइक्लोन जो है दोस्तों वो मूव करना शुरू करेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो हैं, IMD का कहना है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि वो 24 मई तक जो हैं वो इंटेंसिफाई होंगे, यानी पुरजोर तरीके से साइक्लोनिक हवाएं जो हैं वो चलने लगेंगी, राइट। IMD हैज आल्सो सेड दैट द स्टॉर्म इज लाइकली टू मूव नॉर्थ वेस्टवर्ड्स एंड रीच नॉर्थ बे ऑफ बंगाल नियर उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट अराउंड 26 मई। जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट पे दोस्तों ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 26 मई तक ये साइक्लोन जो है ये हिट करेगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि इस साइक्लोन का नाम जो दोस्तों दिया गया है वो यास दिया गया है। इसका नाम सजेस्ट करने वाला जो देश था दोस्तों वो ओमान है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि इंडिया जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है दोस्तों वो रीजनल एक तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है। वो रीजन के तकरीबन 13 मुल्कों के मेट्रोलॉजिकल मतलब वेदर रिपोर्ट्स भी देता है और उसमें कई मुल्क आते हैं दोस्तों। तो ये जो फॉर्मेशन, जो साइक्लोन्स के नाम है हमारे नॉर्दर्न इंडियन ओशन बेसिन में, इसकी जिम्मेदारी जो है दोस्तों वो हमारे IMD की है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली प्रिपरेशंस किस तरीके से चल रही है, तो दोनों इस समय वेस्ट बंगाल और दोस्तों उड़ीसा इस समय पूरी तरीके से प्रिपरेशंस में लग गए हैं। उन्हें इस समय ऑलरेडी ये दोनों स्टेट्स, खासकर वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो ये कोरोना महामारी के चलते हुए यहाँ पे परेशानियाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, पॉजिटिविटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गुरुवार को और उसमें उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिशियल्स, स्टेट के सीनियर ऑफिशियल्स, हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स और इन सभी लोगों से बात करी और इनको प्रिपरेशन करने को कहा है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर इसी टाइम पे मई में ही एक साइक्लोन आया था अम्फन ने बंगाल में दोस्तों बहुत तबाही मचाई थी। पिछले साल तकरीबन 98 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस और हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। तो इस बार किसी भी तरीके की चूक ना हो इसलिए वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर इस चीज़ को पहले से ही पुरजोर तरीके से इस पर जोर दे रही हैं कि भाई बंगाल की तैयारी पूरी होनी चाहिए,
हमें इस साइक्लोन की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आप बात करूँ उड़ीसा की दोस्तों, तो इस उड़ीसा के जो स्पेशल रिलीफ कमिश्नर हैं बेसिकली SDRF के, उन्होंने 10 जिलों के कलेक्टर से, वहाँ के SP से, वहाँ के फायर डिपार्टमेंट से, वहाँ के सभी बड़े अधिकारियों से बात करके वहाँ के जो भी शेल्टर एरियाज हैं जिनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, वर्क स्टाफ डिप्लॉयमेंट करने की जो ज़रूरत है और ट्रेनिंग की और फैसिलिटीज़ की जो ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत है दोस्तों, उसकी तैयारी करने के लिए उन्होंने कहा है। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, तो हमारा स्टेट जो है उड़ीसा, उस स्टेट के साथ ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि हर साल वहाँ पे एक ना एक साइक्लोन आता ही रहता है। और एक साइक्लोन नहीं, अगर दोस्तों मैं सच्चाई बताऊँ तो आपको, भारत में कुल मिला के 5 साइक्लोन हर साल आते हैं। 5 साइक्लोन्स हिट इंडिया एवरी ईयर, एंड इन विच वन ऑफ द साइक्लोन्स, वन साइक्लोन इज इन द अरेबियन ओशन, अरेबियन सी सॉरी, एंड फोर ऑफ द साइक्लोन्स आर इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में आपके बाकी 4 साइक्लोन्स आते हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है दोस्तों, वो उड़ीसा में मिलता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, उड़ीसा का जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है दोस्तों, SDRF जो है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स फोर्सेज इन द वर्ल्ड, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेज इन द वर्ल्ड। और इसके लिए क्रेडिट जाता है द मैन ऑन योर स्क्रीन, श्री नवीन पटनायक को। ही हैज डन अ कमेंडेबल जॉब इन मेकिंग उड़ीसा दिस टास्क फोर्स वेरी हैंडी, बिकॉज ये लोग जिस तरीके से अब, क्योंकि हमारे IMD, हमारे सैटेलाइट्स की वजह से वी गेट इंफॉर्मेशन प्रायर टू लाइक साइक्लोन फॉर्मेशन, साइक्लोन हिट करने से बहुत पहले हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसकी वजह से जो तैयारियां होती हैं दोस्तों, जिस तरीके से हम तैयारियां कर पाते हैं उसमें बहुत सारी जान माल की रक्षा हो पाती है। और इतना ही नहीं, उस पूरे मैनेजमेंट को देखने के लिए जो सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, उसके लिए आई थिंक उड़ीसा डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट। क्योंकि पहले, अगर आपको याद हो, बहुत साल पहले उड़ीसा जो था वो सबसे ज़्यादा साइक्लोन प्रभावित रहता था, साइक्लोन से हमेशा कोई मतलब बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता था। लेकिन ये राज्य दोस्तों, इसने हाल फिलहाल में बहुत बेहतरीन काम किया है और अब उस लेवल पे नुकसान उड़ीसा को नहीं होता है जैसे एक ज़माने में होता था। अब जाने उतनी नहीं जाती हैं, बल्कि मैं ये कहूँ तो इन लोगों का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ही बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ यू नो प्रिपरेशन व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट दोस्तों। तो चलिए हम आगे चलते हैं, और क्या क्या है। बेसिकली सिर्फ राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से तैयारियां नहीं की हैं दोस्तों, हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड ने, हमारी जो तट रक्षक सर्विस है, जो हमारी भारत की कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी, उसने भी कमर कस ली है दोस्तों, और वो लगातार प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी है वो ले रहा है। वो अपने जहाज़ों को, अपने शिप्स को, अपने एयरक्राफ्ट को पानी में भेज रहा है, लगातार उनको उतार रहा है। और जो फिशरमैन आजू बाजू हैं बंगाल और उड़ीसा के, उनको कह रहे हैं कि भाई आप लोग वापस आइए, क्योंकि इस समय जो साइक्लोन का खतरा है वो ज़बरदस्त है, और 22 मई से पहले पहले आप लोग प्लीज़ अपनी सारी शिप्स को, अपने सारे बोट्स को हार्बर पे लगा दीजिए। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो रडार स्टेशन हैं जो बंगाल में हैं और उड़ीसा में हैं दोस्तों, वहाँ से लगातार ट्रांसमिशन करा जा रहा है वर्नैकुलर वहाँ उनकी उड़िया में और बंगाली में फिशरमैन के लिए, कि किस तरीके से साइक्लोन जो है वो फॉर्म हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। इसलिए अभी फिशरमैन का इस तरीके से अभी वहाँ पे वेंचर करना सही नहीं है। और सभी जहाज़ों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है दोस्तों कि 22 मई से पहले पहले जो भी सिचुएशन है, आप लोग जहाँ पे भी हैं प्लीज़ इस रूट को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से अभी साइक्लोन फॉर्म हो रहा है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो बेसिकली साइक्लोन्स बनते कैसे हैं, अब क्या होता है ये चक्रवात, जैसे आप हिंदी में साइक्लोन कहते हैं, चक्रवात जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं, क्या होता है आखिर। तो देखिए दोस्तों, साइक्लोन जो होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में बनते हैं। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, मैं आपको मैप देख के समझाऊंगा, राइट। अच्छा, इस रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन की अगर हम बात करें, तो ट्रॉपिकल रीजन में होता क्या है कि दोस्तों, सनलाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज पड़ती है, हाइएस्ट होती है यहाँ पे, राइट। और ये ज़मीन जो होती है यहाँ की वो गर्म होती है, और वाटर सरफेस भी गर्म होता है, मतलब क्योंकि सनलाइट पड़ रही है, तेज पड़ रही है, तो यहाँ का जो वाटर लेवल, वाटर का टेम्परेचर होगा वो भी गर्म होगा, वाटर लैंड का जो सरफेस का टेम्परेचर होगा वो भी गर्म होगा। और इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से जो भाप मॉइस्ट क्रिएट होती है वो गर्म मॉइस्ट क्रिएट होती है और वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, जो कंडेंसेशन के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। सो वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। अब इससे क्या होता है, जो नमी जो आ जाती है उससे जो एरिया का एटमॉस्फेयर है
वो वार्म होने लग जाता है और इस तरीके से ये साइकिल बनने लग जाता है, पूरा का पूरा एक तरीके से ये क्रिएट होने लग जाता है। तो बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन हम किसे कहते हैं दोस्तों? तो आप ये जो लकीर देख रहे हैं बीच में, ये जो बीच में लकीर जा रही है राइट दोस्तों, इसे हम इक्वेटर कहते हैं, अगर जिसे धरती का मध्य कहा जाता है राइट। इसे कहा जाता है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये सबसे गर्म हिस्सा है पूरी धरती का। और हमारा जो इंडिया है ये देख सकते हैं आप, यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिकल रीजन जो होता है दोस्तों, वो बेसिकली एक ऐसा रीजन होता है जो इक्वेटर के ऊपर या इक्वेटर के पास स्थित होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो बे ऑफ बंगाल है ये हमारा इक्वेटर के पास स्थित है। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, इसकी वजह से जिस तरीके के साइक्लोन्स आते हैं हमारे देश में और समस्याएं खड़ी होती हैं, ये उसी का कारण है। अब मैं आगे और भी आपको बताऊंगा कि क्यों ये साइक्लोन्स जो हैं, इसकी जो तीव्रता है हमारे देश में इतनी ज़्यादा है और ये इतना तेज़ी से क्यों आते हैं। तो आखिर बेसिकली ये साइक्लोन स्पिन कैसे करते हैं? तो विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, हाई प्रेशर एरियाज आर क्रिएटेड इन द कोल्ड रीजन एंड बाय लो प्रेशर एरियाज इज क्रिएटेड इन वार्म रीजन। सो बेसिकली हाई प्रेशर एरियाज में जो बेसिक आपका विंड है दोस्तों, वो हमेशा आती है लो प्रेशर एरियाज से राइट। और हाई प्रेशर एरियाज जो होते हैं ये जो कोल्ड रीजन होते हैं, जो ठंडी जगहें होती हैं, वहाँ पे हाई प्रेशर एरियाज होते हैं, वो हाई प्रेशर एरियाज होते हैं। और लो प्रेशर एरियाज जो दोस्तों होते हैं वो वार्म रीजन्स होते हैं राइट, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट होती है, वहाँ पे आपका एक तरीके से सूरज की जो रोशनी है पूरी तरेर के पड़ती है राइट। सो पोलर रीजन्स आर हाई प्रेशर एरियाज एज लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचेस हियर देन द ट्रॉपिकल रीजन। पोलर एरियाज की जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, पोलर रीजन की जो बात कर रहे हैं, तो पोलर रीजन यानी आपका अंटार्कटिक और आर्कटिक हो गया। इन एरियाज में दोस्तों आप सभी को पता है कि सनलाइट कितनी कम पड़ती है राइट। अब सनलाइट कम पड़ती है तो दोस्तों उसकी वजह से इन एरियाज में ये एक तरीके से ये एरियाज जो है वो हाई प्रेशर एरियाज हैं। और यहाँ पे आप ये समझ जाइए दोस्तों कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी जो विंड की वेलोसिटी होती है वो बहुत तेज़ होती है, सनलाइट क्योंकि होती नहीं है ज़्यादा। तो ये जो हाई प्रेशर एरियाज से ये विंड जो है ये मूव करती है लो प्रेशर एरियाज में, और लो प्रेशर एरियाज में मूव करने के बाद ये एक तरीके से एक चक्रवात का फॉर्म क्रिएट करना शुरू कर देती है। क्योंकि जो वो मॉइस्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो कंडेंसेशन प्रोसेस जो आपका बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन, जो ये आपका पूरा मॉइस्ट क्रिएट होता है, गर्म पानी जो आपका भाप बन के उड़ने लगता है, तो उससे जो ये सारा चक्रवात है दोस्तों, ये लो प्रेशर हाई प्रेशर एरिया से जब ये सारा विंड पहुँचता है वहाँ पर, तो ये उसको घुमाने लग जाता है। और क्योंकि ये आर्कटिक से भी आ रहा है हाई प्रेशर, ये विंड आ रही है आपकी, और नीचे अंटार्कटिक से भी आ रही है, तो ये पूरा एक तरीके से चक्रवात पूरा फॉर्म होना शुरू हो जाता है। मैं आपको अभी मैप देख के समझाता हूँ दोस्तों, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। तो देखिए ये बेसिकली ये आपने अपनी धरती को देखा है दोस्तों, ये गोल है, ओवल शेप में है ठीक है, अंडे के मतलब एक तरीके से अंडे के आकार की है। और ये घूमती कैसे, रोटेट कैसे होती है दोस्तों, ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी इस तरीके से ये हमारी जो धरती है वो रोटेट होती है राइट। इधर से ये रोटेट होना शुरू होती है, इधर से रोटेट होना शुरू होती है, और इस तरीके से ये रोटेट होती हुई जाती है। तो ये वेस्ट टू ईस्ट होती है। अब ये जो एरियाज है दोस्तों, ये आप जानते हैं ये अंटार्कटिक और ये आर्कटिक है। यहाँ क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन एरियाज में आपके सूरज की रोशनी तो पहुँचती नहीं है। अब सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है तो यहाँ पे जो प्रेशर है विंड का वो दोस्तों बहुत हाई रहता है राइट। अब होता क्या है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये जितना आपका एरिया देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये सारा ट्रॉपिकल रीजन है, माफ करें, ये सारा ट्रॉपिकल रीजन है। तो इन हाई ये जो विंड्स हैं दोस्तों, ये ऐसे ट्रैवल करती हैं, यहाँ से इस तरीके से ट्रैवल करेंगी राइट। और ये आर्कटिक से भी इस तरीके से ये विंड्स ट्रैवल कर रही हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो ये वार्म वार्म जो एक तरीके से टेम्परेचर है, उसकी वजह से जो मॉइस्ट क्रिएट हो रहा है वो ऑलरेडी हवा में ऊपर की तरफ उठ रहा होता है। और ये विंड्स जब आती हैं तो एक तरीके से वो उनको ऊपर से जो विंड आ रही है आपकी और जो नीचे से विंड आ रही है, जब ये मिक्स हो जाती है दोस्तों, तो ये एक तरीके से एक चक्रवात का फॉर्म ले लेता है, ये क्रिएट होना शुरू हो जाता है यहाँ पे। और ये चक्रवात फिर धीरे धीरे ये मूव होना शुरू होता है। फिर जब ये दोस्तों लैंड तक पहुँचता है, यानी ज़मीन तक पहुँचता है, क्योंकि अभी से पानी नहीं मिलता है, सरफेस होती है गर्म, तो ये साइक्लोन फिर ठंडा पड़ जाता है, मतलब ये ख़त्म हो जाता है राइट। जैसे तौकते के साथ अभी ये हुआ कि तौकते, अगर आप लोग दिल्ली या नॉर्दर्न इंडिया में रह रहे होंगे, तो आपने भी 2-3 दिन लगातार बारिश और हवा महसूस की होगी दोस्तों। तो ये वही हुआ था कि ये जो चक्रवात था, इसकी वेलोसिटी सोचिए, जब 180 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरात में जो हवा बह रही थी, उसके बाद ये सोचिए नॉर्दर्न इंडिया में IMD ने बताया कि 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी, और काफ़ी तेज़ हवा थी दोस्तों। आज सुबह तक भी अगर आप सच्चाई बताऊँ, मैं आपको सच्चाई बताऊँ, तो मुझे महसूस हो रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ लीजिए कि ये
किस तरीके से एक चक्रवात जो एक साइक्लोन जो है वो काम करता है, किस तरीके से वो पूरे एरिया में घूमता है और फैलता है, राइट दोस्तों। तो ये मैंने आपको एक पूरा तरीका बता दिया है कि किस तरीके से साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन यास जो है वो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन है, वो कहाँ बन रहा है, किस तरीके से एक साइक्लोन फॉर्म होता है और क्या क्या चीज़ें अब भारत सरकार और बंगाल और उड़ीसा की सरकारें जो हैं वो प्लान कर रही हैं, किस तरीके से लोगों को बचाया जा सके, शेल्टर होम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। और दोस्तों सबसे अहम बात ये है कि इससे बचने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है कि अभी ये राज्य इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कोरोना महामारी फैली हुई थी, ये राज्य बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। ये लोग अपने कंटिंजेंसी प्लान्स को उसी तरीके से तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों को कोरोना ना हो जाए, ये अपने ऑफिशियल्स को भी उसी तरीके से ट्रेन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का स्पेशल एडिशन, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे ये सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करके हमें मोटिवेट कीजिए। प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा है, अगर कुछ कमियां हैं तो प्लीज़ हम उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो साइक्लोन के ऊपर एक सवाल ज़रूर हो सकता है, ज्योग्राफी का एक सवाल ज़रूर हो सकता है कि किस तरीके से साइक्लोन बनता है, क्या क्या प्रिपरेशंस करने की ज़रूरत होती है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है अगर आप उड़ीसा और वेस्ट बंगाल काडर या फिर आंध्रा काडर से होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होंगी दोस्तों, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही वाइटल हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको कुछ स्पेशल शोज चाहिए किसी चीज़ पे, किसी इशू पे, तो प्लीज़ हमें बताते रहिए, हम आपके सामने ज़रूर वो शो लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच आज का ये वन स्टॉप करंट अफेयर्स का स्पेशल एडिशन देखने के लिए। हम आपसे दोस्तों जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक यू, दिस इज़ राहुल पांडे फॉर वन स्टॉप करंट अफेयर्स साइनिंग ऑफ।